कोरोना के संभावित थर्ड वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद के 4 CSC पर पीकू बनाया गया है और वहां पर ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित कर दी गई है। इसके अलावा कैंपियरगंज स्वास्थ्य केंद्र पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगभग तैयार है। CMO ने कहा कि अगर थर्ड वेव आता है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी में है। CMO ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे तीसरी लहर आने की संभावना ही खत्म हो जाए। CMO ने कहा कि अगर लोग सावधानी बरतें तो तीसरी लहर से बचा जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, थर्ड वेव जहां तक लोगों का की बात है कि लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने की, तो लोग इधर लापरवाही बरतना शुरू कर दिए हैं। भीड़ भाड़ में भी लोग देखा जाता है मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो सभी लोगों को हमारा अनुरोध है कि सभी लोग जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगाएं। मास्क लगाने से उनको ही फायदा होगा और वो अपने को ही प्रोटेक्ट करेंगे, और जब अपने घर लेके जाएंगे तो मास्क लगाए रहेंगे तो घर में वायरस नहीं जाएगा। तो जब घर में नहीं जाएगा तो उनके माँ बाप भाई बंधु सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। तो सभी लोग इस बात का ये ध्यान रखें कि हम बाहर जब निकले हुए हैं तो पब्लिक को जो करेंगी, लेकिन आप अपने ले जाएंगे अपने घर पर कराएंगे, तो उसका ध्यान रखें। जो भी बाहर निकलता है मास्क जरूर लगाए, और जहाँ भीड़ हो थोड़ा भीड़ से दूर अलग हो करके ध्यान दें, जिससे भीड़ में ना जाए। जैसे कि हमारा थर्ड वेव की जो संभावना है थोड़ी कम रहेगी, थर्ड वेव के लिए हम लोग भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें बच्चों को भी होने की संभावना है तो बच्चों के लिए मिनी पीकू तैयार हो गए हैं। हमारे 4 CSEs में 50-50 बेड कोरोना के लिए आरक्षित हो गए, जिसमें से चौरा हरनई, कैंपियरगंज और मरहलगंज। मरहलगंज में हमारा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, जिसको कि हमने इक्विप कर रखा है, वह हमारा मैन पावर, हमारी दवाइयाँ सब पर्याप्त मात्रा में। इन चारों जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुका है और फंक्शनल हो गया है। अभी कैंपियरगंज में एक दिन दो दिन लगेगा फंक्शनल होने में, बाकी जगह पे फंक्शनल हो चुका है। हमारी जो है L2 फैसिलिटी जो है TV हॉस्पिटल, 100-bed TV हॉस्पिटल, वहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। बच्चों के लिए वेंटिलेटर अलग से तैयार हो जाएगी, सभी दवाइयाँ आ गई हैं। तो अगर थर्ड वेव आती है तो हम लोग इसका जोर शोर से सामना करेंगे। पब्लिक से अपील है कि थर्ड वेव आने ही ना दें, लोग भीड़ भाड़ में ना जाएं, जब भी जाएं तो मास्क पहन करके जाएं, और जब घर से ज़रूरी है तभी निकलें, जिससे कि हम लोग थर्ड वेव अगर आती है तो बहुत छोटी आएगी और हम कंट्रोल कर लेंगे।